सो so, गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर जनरल इंग्लिश के नॉन रेगुलर पेपर के सॉल्यूशन के बारे में तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके पैसेज वाले क्वेश्चन से यानी कि यूनिट फर्स्ट से तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कैरेक्टर ऑफ इमामदन अकर्ड इन द स्टोरी रिटर्न बाय कि जो इमामदेन का कैरेक्टर था वो जिस स्टोरी में आया है वो स्टोरी किसने लिखी थी तो किसने लिखी थी देखो फर्स्ट ऑप्शन है रुडियार्ड किपलिंग ने सेकंड ऑप्शन एम के गांधी थर्ड ऑप्शन जोमो केन्याटा और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जो आपकी ये जो स्टोरी है रुडियार्ड किपलिंग ने लिखी थी इमाम दिन वाली और स्टोरी का नाम था मोहम्मद दिन ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास आई एम नॉट अ बदमाश हू सेट तो किसने कहा था भाई बताओ फटाफट से किसने कहा था मैं बदमाश नहीं नीयू मेरा नाम है मोहम्मद दिन किसने कहा था मोहम्मद दिन ने कहा था तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच ट्रेनिंग इज डिफिकल्ट गांधी जी के अनुसार कौन सी ट्रेनिंग डिफिकल्ट होती है तो ऑप्शन बी लिटरेरी ट्रेनिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ द एसे ट्रेनिंग लिटरेरी एंड स्पिरिचुअल वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है ये एसे एम के गांधी के द्वारा ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड है चैप्टर नंबर थर्ड लिखा है महात्मा गांधी ने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ लाइफ की फोर्थ स्टेज क्या होती है तो सन्यास जो है लाइफ की फोर्थ स्टेज होती है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स हुई जेंटलमैन ऑफ द जंगल ये किसने लिखा था ये लिखा था जोमो के न्याटा ने यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवन न्यू आइडियाज आर फ्लिटिंग लाइक न्यू आइडियाज कैसे आते हैं तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइन की तरह क्वेश्चन नंबर एट वी सुड स्पेंड मिनट्स इन अ वीक विद फ्रेंड्स कितना टाइम हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड करना चाहिए इन अ वीक तो यहां पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये जो दोनों क्वेश्चन है एक बार आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इनके आंसर भी बता देना कि किसने क्या आंसर लिखा है ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे भी ठीक है तो ये एक बार मुझे बता देना और कौन से चैप्टर से ये आया है अगर किसी को पता है तो ये भी मुझे बताने की कोशिश करना अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तो क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है सेंसाइव वॉज सेंसाई कौन था तो सेंसाई एक जापानीज टीचर था यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बिलोंग टू तो जॉर्ज दल तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे तो ये जो है स्विस से बिलोंग करते थे यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तो क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारे पास है गोस इन टब द लेसन गोस इन टब ने कौन सा लेसन लिखा था तो द शू ऑफ माई से लिखा था गोसिन टब ने यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु आस्ट वर्ड स्टोरी वुड यू लाइक मुताशी ये किसने बोला था ये बोला था यूनी ने तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हु हैंडेड बैक हिज शूज विद अ स्माइल ये किसने किया था जो शूज थे वो किसने वापस करे थे तो सेंसाइव जहां पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनारस कम्स इन द लेसन बनारस के बारे में किस लेसन के अंदर बताया गया है तो किसके अंदर बताया गया है टू फेबल्स के अंदर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की देर वॉज अ प्रिंसेस हु वॉज गुड एट प्रिंसेस किस चीज में गुड थी मतलब कि उसे कौन सी चीज अच्छे से करनी आती थी तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा विस्लिंग यानी कि उसे सीटी बजाना बहुत अच्छे से आता था अब बात करते हैं पैसेज वाले क्वेश्चन की तो पैसेज में यहाँ पर आपके सामने नहीं पढ़ रही हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हमारे पास है नंदू रोड ऑन हिज नंदू क्या चलाता था घोड़ा है ना नंदू किसकी सवारी करता था नंदू जो है हॉर्स की सवारी करता था क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हुम डिड नंदू मीट ऑन हिज वे बैक जब नंदू वापस आ रहा था तो उससे कौन मिला था तो उसे मिला था सुमेंद्र यानी कि ऑप्शन डी ठीक है तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हाउ द मर्चेंट मर्चेंट कैसा आदमी था वो एक क्राफ्टी मैन था एक लालची आदमी था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नंदू वॉज अ बॉय तो नंदू जो है एक गरीब लड़का था यानी कि पुअर बॉय था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द मर्चेंट हैड हिज आई ऑन वट इज द मीनिंग ऑफ दैट आइटम ठीक है दिस आइटम आइटम का मतलब होता है अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आइटम का मतलब होता है अ, मुहावरे ठीक है, है तो यहाँ पर देखो द मर्चेंट हैड हिज आई आई ऑन मर्चेंट की आई किस चीज के ऊपर थी तो यहाँ पर इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगा हैव अ ग्लैंस ऑप्शन बी ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट नंदू नंदू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट ही वॉज नॉट वेरी क्यूनिंग वो इतना ज्यादा लालची सॉरी क्यूनिंग का मतलब होता है चालाक तो वो इतना ज्यादा चालाक नहीं था ही नीडेड मनी उसे जो है पैसों की जरूरत थी ही वॉज क्रियल टू पीपल बट लव द एनिमल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो गरीब भी था उसको जो है पैसों की जरूरत भी थी वो इतना ज्यादा चलाक भी नहीं था और उसे जो है जानवर पसंद भी बहुत ज्यादा थे तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारे पास है चूज द वर्ड दैट इज सिनेम ऑफ क्राफ्टी तो सिनेनम का मतलब होता है पर्यायवाची तो so, क्राफ्टी का सिमिलर वर्ड कौन सा है यहाँ पर तो क्यूनिंग क्यूनिंग यहाँ पर क्राफ्टी का सिमिलर वर्ड है ठीक है क्यूनिंग का मतलब होता है चालाक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चूज द वर्ड दैट इज द दिन ऑफ पोस्ट पोस्ट का सिने बताना है तो यहाँ पे पोस्ट का सिने हो जाएगा हेल्टेड यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यू लिव ऑल अलोन हु सेट तुम अकेले ही तो रहते हो ये किसने कहा था मर्चेंट ने कहा था नंदू से क्योंकि नंदू मर्चेंट जो है नंदू का घोड़ा चाहता था है ना तो उसने क्या कहा नंदू को बोला कि तुम तो अकेले ही हो वैसे भी तो इस घोड़े की देखभाल तुम अकेले कैसे करोगे तो इसे तुम मुझे बेच दो है ना तो ये किसने कहा था मर्चेंट ने कहा था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आफ्टर ऑल ही वुड रिसेल द हॉर्स फॉर ओवर गोल्ड कॉइन्स इन द मार्केट कितने पैसों में बेचा था उसने घोड़े को नंदू ने कितने पैसों में बेचा था भाई उसने थाउजेंड रुपीज में बेचा था ठीक है थाउजेंड गोल्ड गोल्ड कोइंस में उसने अपना घोड़ा बेच दिया था तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा फिल करेक्ट वर्ब अब हमें क्या करनी है यहाँ पर करेक्ट वर्ब्स भरनी है तो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपके सामने है वेन रीना कम इन टू द रूम अशोक अब बताना है यहाँ पे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है तो यहाँ पर अगर हम इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करें तो देखो जब रीना कमरे में आई तो अशोक खाना खा रहा था है ना अशोक खाना खा रहा था यानी कि काम कर रहा है यानी कि वह कंटिन्यूस है तो यहाँ पर क्या आएगा अशोक वॉज ईटिंग खाना खा रहा था था मतलब पास्ट टेंस खाना खा रहा है नहीं अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलू कि जब रीना कमरे में आई तब अशोक अशोक जो है खाना खा रहा है

काम पहले ही हो चुका है हो चुका मतलब परफेक्ट है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा, राम वर्क बिफोर फादर कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट सेंटेंस है मैं रोज स्कूल जाता हूं है ना और साथ ही मैं कौन सा वाला है ये इनडेफिनेटिव है ना तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा देखो यहाँ पे वो गोइंग तो नहीं लगा सकते मैं रोज स्कूल जाता था या फिर मैं रोज स्कूल जा रहा हूँ या फिर मैं रोज स्कूल जाऊंगा ऐसा तो नहीं होगा मैं रोज स्कूल जाता हूं, होता है है ना तो यहाँ पर वो आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं करेक्ट आर्टिकल की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में हमें भरने हैं करेक्ट आर्टिकल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आपके सामने है इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा ए आएगा द आएगा या एन आएगा अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कोई ए भर देगा कोई एन भर देगा कोई द भर देगा लेकिन नहीं यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा अब आप सेंटेंस को एक बार देखो यहां पर आर्टिकल की जरूरत लग रही है आपको पढ़ के देखो एक बार इट इज वेरी अ यूजफुल फॉर मी इट इज वेरी अन यूजफुल फॉर मी इट इज वेरी द यूजफुल फॉर मी ऐसा सेंटेंस कभी देखा है दुनिया में नहीं देखा ना तो यहाँ पर ये यह सेंटेंस पहले से ही कंप्लीट है तो ये जो आपके सामने ये डेस लगाया है ना इसने ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए लगाया है स्टूपिट बनाने के लिए लगाया है यहां पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट यानी कि कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी ही इज डेश इंटेलिजेंट बॉय बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा आई देखो के बाद में जो भी आपके पास वर्ड है जैसे कि यहां पर मेरे पास वर्ड है इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट का फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर क्या है यहां पे वोवल है यानी यानी कि कि ए ए -E ई ई आई आई ओ ओ यू यू जब भी आपके -E आपके सामने हो, यानि वोवल आपके सामने हो हो तो आपको यूज करना है एन और कॉन्स्टोनेट के साथ में आपको यूज करना होता है ए तो यहां पर आई क्या है एक वॉवल है तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि एन है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कपल इज डेस्ट सन ऑफ द फैमिली क्या आएगा कपिल क्या है यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली है अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ए भर देंगे दीदी ने बताया कि वोवल ए ई आई ओ यू है तो उसके साथ में एन आता है तो एन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो वाई है, है, है तो वाई एक कौन है तो यहाँ पर ए आएगा नहीं आएगा यहाँ पर आएगा द ठीक है कपिल इज द यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली क्योंकि यहाँ पर देखो फैमिली क्या है अब कौन सी फैमिली है किसकी फैमिली है हमें नहीं पता यानी कि इंडेफिनेट है है ना इंडेफिनेट जो आर्टिकल इंडेफिनेट जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वहां पर द आता है डेफिनेट के लिए आता है और इंडेफिनेट के लिए द आता है यहां तो पे द आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू शी इज टेस्ट ऑनेस्ट गर्ल अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा तो दीदी -दी यहाँ पर ना डेष के बाद में होनेस्ट लिखा हुआ है होनेस्ट लिखा हुआ है और होनेस्ट में यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है वो एच है यानी कि ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ में तो ए आता है यहां पर ए आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखो होनेस्ट एक तो आपने पढ़ा होनेस्ट लेकिन होनेस्ट नहीं होता है ये होता है ओनेस्ट यानी कि ओ की आवाज आती है और ए ई आई ओ यू ये क्या है वॉवल्स हैं और वोवल्स के साथ में एन आता है तो यहाँ पर जो आपका एच है वो साइलेंट है ठीक है यहाँ पर ओ की आवाज आ रही है तो ये जो है यहाँ पर एन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू के लिए ऑप्शन बी अब हमें करना है करेक्ट मॉडल चूज ठीक है नीचे के जो क्वेश्चन है यहां पर हमें मॉडल्स लगाने हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है हमारे पास वी डैश पे आर टक्सेस हमें जो है सारे टैक्सेस भरने चाहिए हमें सारे टैक्सेस भरने ही चाहिए ये क्या है एक रूल है जो कि हमें ओबे करना ही करना है यहाँ तो पर हम क्या लिखेंगे वी मस्ट पे आर टैक्सेस हमें अपने टैक्सेस भरने ही चाहिए मस्ट आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इफ आई वर अ पैर आई फ्लाई आई डेश फ्लाई अगर मैं तोता होता अगर मैं तोता होता तो मैं क्या करता मैं उड़ता यानी कि इफ आई वर अट आई वुड फ्लाई अगर मैं तोता होता तो मैं उड़ता ठीक है ऑप्शन सी थर्टी थ्री डैश आई कम सर तो भाई ये तो हर एक बच्चा बोलता है वही हर एक बच्चा बोलता है क्लास में एंटर करने से पहले मे आई कम सर तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी ठीक है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हम परमिशन ले रहे हैं और जब भी परमिशन लेते हैं तब हम मे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ही डैश हैवी बॉक्सेस इन हिज यूथ वो जब जवान था ना जब वो जवान था तो वो भारी भारी बॉक्सिस उठाता था जब जवान था यानी कि यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो जब वो जवान था तो वो भारी भारी बॉक्सिस उठाया करता था यानी कि ही कुड लिफ्ट हैवी बॉक्सेस इन हिज यूथ मैंने आपसे कहा था कि केन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड तो जब भी जो है एबिलिटी uh, की बात हो यानी कि यहां पर एबिलिटी एबिलिटी की तो बात हो रही है वो जो आदमी है वो हैवी बॉक्सेस उठाया करता था एबिलिटी की बात हो रही है और वो एबिलिटी जो है अगर पास्ट की हो यानी कि जब वो जवान था बहुत टाइम पहले की बात है जब वो जवान था तब वो बॉक्सेस उठाता था तो यानी कि जब भी ऐसी एबिलिटी की बात हो जो कि पास्ट में है वो उसके साथ में क्या यूज होता है उसके साथ में कुड यूज होता है ठीक है तो थर्टी सिक्स में आएगा ऑप्शन बी थर्टी सेवन डोंट फॉरगेट टू डैश द लाइट बताओ क्या आएगा लाइट बंद करना भूल मत जाना तुम ठीक है लाइट बंद करना भूल मत जाना यानी कि डोंट फॉगेट टू टर्न ऑफ द लाइट तो यहाँ पर आएगा टर्न ऑफ द लाइट अब कौन सा वाला ऑफ आएगा देखो यहाँ पे उसने कैसे कंफ्यूज किया आपको ऑप्शन ए में टर्न इन लिख दिया ऑप्शन बी में टर्न ऑफ के साथ में डबल एफ लगा दिया ऑप्शन सी में टर्न लिख दिया और डी में टर्न ओवर लिख दिया हमें ये तो पता है कि टर्न ऑफ आएगा अब कौन सा वाला ऑप्शन टिक करें ऑप्शन बी की ऑप्शन सी ऑब्वियसली ऑप्शन बी यहाँ पर डबल एफ वाला ऑफ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे इतना सा भी आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम एक्यूरेट चीज याद रखो और एक्यूरेट चीज लिखो ठीक है अब थर्टी एट द के सॉरी द कार हैज ऑन द वे द कार हैज ऑन द वे अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा तो देखो ब्रोकअप ब्रोक आउट ब्रोक, ब्रोक इन तो देखो डाउन का मतलब होता है कि वो टूट गई ठीक है तो कार टूट ही सकती है भाई है ना तो कार जो है रास्ते में टूट गई यानी कि डाउन कार हैज ब्रॉक डाउन ऑन द वे यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा थर्टी एट के लिए अब बात करते हैं थर्टी नाइन की आई केम डेवर नाउ आई केम डेवर नाउ तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अक्रोस अब अक्रोस आएगा यहाँ पे है अक्रोस आएगा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा इन इन भी नहीं आएगा मैं फीवर के अंदर हूँ फीवर के अंदर होता है कोई इंसान नहीं हो सकता राउंड मैं फीवर के राउंड हूं ऐसा भी नहीं हो सकता ओवर तो यहाँ पर आएगा आई केम ओवर फ्रॉम फीवर नाउ ठीक है मुझे अब बुखार आ गया है मुझे अब फीवर आ गया है या फिर मैं फीवर से बाहर आ गया हूं ठीक है आई केम ओवर फ्रॉम फीवर नाउ मैं बुखार से बाहर आ गया हूं ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की गेट डैश फ्रॉम माई रूम राइट नाउ अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा ओन आएगा फोर आएगा अवे आएगा ट आउट नि बोल दीचर गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास यहां पर आएगा गेट आउट यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में कौन से एंड होना होता है कौन सा से सेंटेंस uh, जो है एक्सक्लेमेट्री साइन के साथ में एंड होता है बताओ भाई इंट्रोगेटिव होता है इंट्रोगेटिव में क्या लगता है क्वेश्चन मार्क लगता है भाई है ना और इंपरेटिव नहीं नन नहीं एक्सक्लेमेटरी साइन यार एक्सक्लेमेटरी साइन जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस के साथ में होता है है ना जितने भी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है उनके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है तो एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका एंड किसके साथ में होता है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में होता है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सेंटेंस दैट यूज टू गिव एन ऑर्डर और एन कमांड इज डैश सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसे जिससे जो है किसी को हम ऑर्डर देते हैं या किसी को कमांड देते हैं ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है जब मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब तो मैंने आपको बताया था याद करो इंपरेटिव सेंटेंसेस यार इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पर क्या होता है हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को कमांड देते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री Uh, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्टी टू के लिए अब क्वेश्चन फोर्टी थ्री की बात करते हैं चूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूज करना है अब भाई देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चूज करने के एक सबसे जो अच्छा तरीका है ना वो ये है कि क्वेश्चन के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा अब कई बार क्या होता है जो आपको ऑप्शन देता है ना वो किसी दूसरे सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगा देता है आपको पागल बनाने के लिए तो दूसरा तरीका होता है कि जो आपकी वर्ब होती है वर्ब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो जो है पहले आ जाती है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस क्या है इंट्रोगेटिव है ठीक है अब यहाँ पे ऑप्शन देखो शी इज ब्यूटीफुल गर्ल ये तो टिव नहीं है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन भी है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन सी देखो हाउ क्यूट ही इज हाउ क्यूट ही इज ये भी जो है नहीं है ये क्या है डबल इंट्रोगेटिव है ऑप्शन डी शी इज नॉट अ गुड गर्ल कुछ भी होगा तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है ऑप्शन बी देखो आर यू मैड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है किसकी किसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की है Helping verb है subject पीछे है 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 ना हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे यानी कि ये इंट्रोगेटिव और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब यहाँ पे आप ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे दीदी -दी यार पेपर कब सॉल्व कराओगे कब सॉल्व कराओगे तो फाइनली पेपर सॉल्व हो गया है अब मुझे एक थोड़ा सा डाउट है मुझे ये बताना कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है या फिर थर्ड शिफ्ट का पेपर है अगर ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो यार जिसके भी पास थर्ड शिफ्ट का पेपर हो वो मुझे पेपर जो है भेज दो यानी कि आप ऐसा करो कि आपका जो चैनल है यानी कि आपका जो अकाउंट है उस पर कम्युनिटी में पोस्ट कर दो पेपर को और मुझे बता देना एक बार कि आपने पेपर जो है पोस्ट कर दिया है मैं वहां से चेकआउट करके आपको फटाफट से कल ही सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दूंगी ठीक है और अगर ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है तो या सेकेंड शिफ्ट का पेपर जिसके पास है वो भेज देना ठीक है मेरे पास दोनों ही शिफ्ट के पेपर नहीं है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सी शिफ्ट का है तो आप चेक करके एक बार मुझे बता देना कि कौन सी शिफ्ट का पेपर है ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की विच ऑफ दिस सेंटेंसिस इज एन उन ये भी हम कमांड दे रहे हैं मेकअन तो कमांड दे रहे हैं तो इंप्रेमेटिव सेंटें कौन से होते हैं जहां पर हम कमांड देते हैं ऑर्डर देते हैं यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सारे ही सेंटेंसेज इंप्रेमेटिव है अब हमें जो है यहां पर आगे के क्वेश्चन में नाउन नाउन बतानी है यहाँ पर कि नाउन कौन सी है सेंटेंस के अंदर ठीक है नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा हाँ हिंदी में संज्ञा होता है नाउन का मतलब तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ही इज कुकिंग फूड बताओ नाउन कौन सी है यहाँ पर अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके ही लिख देंगे लेकिन ही यहाँ पर नाउन नहीं है ही क्या हो रहा है सेकेंड पर्सन हो रहा है ही वह तो सेकेंड पर्सन है यहाँ पे हमें देखो नाउन क्या होती है ना Uh, कोई भी पर्सन है है ना कोई भी व्यक्ति है जैसे कि जिसका नाम है जैसे राम श्याम कन्नू मन्नू चन्नू ये सब क्या है नाउन है है ना या फिर कोई जो प्लेस uh, होता है जैसे कि आगरा हो गया कुछ भी हो गया तो ये सब क्या है ये नाउन है आ uh, कोई भी uh, चीज हो गई कोई भी जगह हो गई कोई भी चीज हो गई कोई भी इंसान हो गया वो सब क्या होती है नाउन होती है यहाँ पे देखो फूड फूड क्या है एक चीज है खाने की चीज है या फिर कोई भी चीज है तो यहाँ पर जो ये फूड है ये हो जाएगी नाउन यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा जो बच्चे ऑप्शन ए लगा के बैठे हैं भाई सो सॉरी लेकिन ये नाउन नहीं है आपने जो है प्रोनाउन बता दिया यहाँ पे ये नाउन नहीं है ये प्रोनाउन है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय बताओ यहाँ पे नाउन क्या है तो मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो क्या होता है नाउन होता है तो रमेश यहाँ पर एक इंसान का नाम है एक लड़के का नाम है तो ये क्या है नाउन है तो रमेश यहाँ पे नाउन हो जाएगा ठीक है तो बहुत सिंपल uh, है यार ये जो आपके ग्रामर है ना ये बहुत सिंपल आई है रेगुलर वालों के भी और नॉन रेगुलर वालों के भी ग्रामर तो बहुत सिंपल है चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंसेज हमें एडजेक्टिव चूज करना है अब फोर्टी uh, वाला क्वेश्चन है द बनाना इज वेरी स्वीट तो देखो बनाना क्या है यहाँ पर देखो बनाना इज वेरी स्वीट यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो बनाना है ना वो बहुत स्वीट है यानी कि यहां पर हम बनाना की क्वालिटी बता रहे हैं तो जब भी हम किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं तो वो क्या होता है वो एडजेक्टिव होता है यानी कि बनाना की क्वालिटी क्या है कि वो स्वीट है स्वीट तो क्या हो जाएगा यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा द बर्ड इज ब्लेक हम बर्ड की क्वालिटी बता रहे हैं हम बर्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन से कलर की है तो वो ब्लैक कलर की है तो ब्लैक यहाँ पर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन की तो सबसे पहले हमें एक लाइन दी हुई है इसमें हमें क्या बताना है हमें एक इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है सारे सेंटेंस पढ़ने हैं फिर बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है वो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नंबर फिफ्टी के लिए जो आपका ऑप्शन सी है ऑप्शन सी हमें क्या गिवन है फ्यूचर बिफोर कोविड 19 द पेंडेमिक फ्यूचर बिफोर कोविड 19 द पेंडेमिक बिफोर का मतलब पहले कोविड 19 के पहले जो फ्यूचर था देखो किसी चीज के पहले कोई फ्यूचर था कि कोई बना कोई चीज मतलब हाँ? आज से पहले जो फ्यूचर था आज से पहले तो पास्ट होगा ना आज के बाद फ्यूचर होगा तो यहां पर आना चाहिए फ्यूचर आफ्टर कोविड नाइनटीन लेकिन इसने लिखा फ्यूचर बिफोर कोविड नाइनटीन तो ये क्या है गलत है तो यहां पर मैं इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा तो होप सो आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और जो वो दो क्वेश्चन मैंने आपसे बोले हैं कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहां पे कि कौन से चैप्टर से लिया गया है तो प्लीज मुझे बता देना कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और आपने कौन सा जो आंसर है उसमें टिक किया है और ये भी बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं आप सभी के और प्लीज मुझे बता देना कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है या फिर थर्ड शिफ्ट का पेपर है और अगर ये सेकंड शिफ्ट का है तो थर्ड शिफ्ट का मुझे भेज देना अगर ये थर्ड शिफ्ट का है तो सेकंड शिफ्ट का मुझे भेज देना ताकि जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो बना दू उसके सोल्यूशन के ऊपर एंड आई एम रियली सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज मैं थोड़े कुछ और चीजों पर वर्क कर रही थी जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई और मेरे पास पेपर भी नहीं था सीरियसली बताऊं तो आपने पेपर भेजा है उसके बाद में ही जो मैंने सोल्यूशन किया है क्वेश्चन पेपर का तो इसकी वजह से वीडियो लेट हो गई थोड़ी सी सो आई एम रियली सॉरी और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि अब जो हमारा थर्ड सेमेस्टर आने वाला है इसमें मैं जो हूँ आपको इंग्लिश लिटरेचर तो पहले ही पढ़ा रही थी थी। अब जो है मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रही हूँ एंड हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ तो अगर कोई बच्चा जो है किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो वो जो है मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है और बाकी के सब्जेक्ट भी जो है यहाँ पर पढ़ सकता है तो होप सो आपको जो है ये चैनल हेल्पफुल लग रहा होगा अगर हेल्पफुल लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में जो चीजें मैंने आपको बोली है वो बता देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर कीप वॉचिंग लर्निंग